ये कहानी है पोलका सिनोयामा की, जिसके अंदर एक दिन किसी दूसरे आदमी का सोल घुस जाता है। लेकिन वो आदमी पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल और ढेर सारे सुपर पावर्स को यूज कर सकता था, और वो आदमी उन सुपर पावर्स को इस वर्ल्ड में भी यूज कर सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड में उससे भी पावरफुल एक सुपर विलेन मौजूद होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, जिन्हें अगर उसके सुपर पावर्स के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग उसे तभी ही खत्म कर देंगे। तो क्या पोलका अपने आइडेंटिटी को छुपाते हुए इन सारे सुपर विलेन का सामना कर पाएगा? एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक हो चुका है, और उस मॉन्स्टर ने अपने मैजिकल स्वॉर्ड्स अटैक का यूज करके आधे से ज्यादा वॉरियर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया है। जिसलिए यहाँ पर चर्च के सीक्रेट वेपन को लाया जाता है, जिसने अपने लाइफ में कोई भी मैच को नहीं हारा है, और उस वॉरियर को क्लेमेटी क्रसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका असली नाम है सागरुआ एडिथ लुग्री। सागरुआ यहाँ पर पहुँचने के साथ ही इस मॉन्स्टर के साथ अपना बैटल स्टार्ट कर देता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो इस टाइम पे जिस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है उसे इस सदी का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर माना जाता है, जिसका नाम है कॉप्स गॉड। तभी कॉप्स गॉड अपने पावर का यूज करके यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा स्केलेटन को स्पॉन करवा देता है, जिसके बाद सागरुआ भी उन सारे स्केलेटन के ऊपर फ्लेम अटैक कर देता है। तभी उसकी एक पार्टनर कहने लगती है कि सुगुरुआ ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देख कर रखा है, और मुझे पता है कि वो इस मैच को कभी भी हार नहीं सकता है। और तभी हमें सुगुरुआ के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बैटल चल रहा होता है। इस बैटल के दौरान उस गाँव के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ सुगुरुआ इस बैटल के दौरान बच जाता है, जिसके बाद वो सारे सोल्स कहने लगते हैं कि तुम अकेले जिंदा कैसे रह सकते हो, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, तुम्हें भी यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था। और इन सारी बातों को सुनने के बाद सुगुरुआ का दिल पत्थर का बन गया था, जिसके बाद से उसने अपना ट्रेनिंग रूथलेस तरीके से स्टार्ट कर दिया था, और कोई भी अगर उसके सामने आता था तो वो उसके सामने टिक नहीं पाता था। तभी कॉप्स गॉड अपने सारे पावर्स को इकट्ठा कर लेता है, और उन सारे पावर्स को एक साथ मर्ज करने के बाद यहाँ पर एक ड्रैगन को समन कर लेता है। अब सुगुरुआ कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर हजारों की तादाद में स्केलेटन वॉरियर्स को स्पॉन किया है, और साथ ही में एक ड्रैगन को भी समन कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि एग्जैक्टली तुम्हारे यहाँ पर कितना एनर्जी खत्म हो चुका है। जिससे हमें पता चलता है कि सुगुरुआ के पास असल में एविल आइज है, और इन एविल आइज का यूज करके वो किसी भी सोल को देख सकता है, और यही वो रीजन है जिस वजह से वो पास में गुजर गए लोगों के बातों को समझ पा रहा था। जिसके बाद सुगुरुआ उस ड्रैगन के साथ अपना फाइट स्टार्ट कर देता है, और अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज करने के बाद उस ड्रैगन के गले को उसके बॉडी से अलग करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन वॉरियर्स बचे हुए हैं, जिनके साथ वो अपना बैटल स्टार्ट कर लेता है। अब उनके पार्टनर्स यहाँ पर कहने लगते हैं कि एविल आइज का यूज करके कोई भी आदमी गॉड के जितना पावरफुल हो सकता है, और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी किसी राजा की तरह बिता सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सुगुरुआ ने आम आदमी के लिए फाइट करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना सही समझा, जिसके बाद सुगुरुआ कॉप्स गॉड के साथ अपना बैटल स्टार्ट कर लेता है, और उनके दोस्त कहने लगते हैं कि सुगुरुआ कभी भी ये बैटल हार नहीं सकता है। तभी सुगुरुआ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करके उस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके बाद ये रिवील होता है कि कॉप्स गॉड का अपना पूरा लाइफ उसके लॉकेट के अंदर ही है, और कॉप्स गॉड भी एविल आइज का यूज कर सकता है। अब कॉप्स गॉड कहने लगता है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, तुम्हें भी पावर उन सारे लोगों से मिला है जिन्हें तुमने पास्ट में खत्म किया है, जिसका मतलब है कि तुमने भी उन सारे लोगों को अपने फायदे के लिए ही मारा है। जिसके बाद कॉप्स यहाँ पर अपने गॉड मोड में पहुँच जाता है, और सुगुरुआ भी उसके ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है, और उसके सारे पार्टनर्स उसके ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल का यूज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे स्पेल्स यहाँ पर यूज हो रहे होते हैं, जिन्हें सुगुरुआ ने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, जिस वजह से सुगुरुआ थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन वो कहता है कि जब तक तुम इस दुनिया में हो, मेरे लोग इस दुनिया में खुश नहीं रह सकते हैं, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उन दोनों के कॉम्बाइन अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद हर दूसरे इसी का स्टोरी की तरह हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में री इनकार्नेट हो जाता है, और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है पोलका सिनोमिया, जो जापान के सिंजुकु में पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पोलका को पहले पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पहले तो उसके गले में बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं इन सारे बिल्डिंग्स को उसने अपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था, और फाइनली उसे ये चीज समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका शरीर इतना छोटा कैसे हो गया है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी पोलका को अपने ड्रोन से देख रहा होता है, और वो आदमी इस चीज को देखकर शॉक होता है कि इतने बड़े अटैक के बाद भी पोलका यहाँ पर जिंदा कैसे है। जिसके बाद वो उस असासिन को कॉल कर लेता है, जिसे पोलका को मारने का काम दिया गया था, और उसे कहता है कि तुमने अपने काम को ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, तो जल्दी से तुम्हें अपने काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तभी पोलका को यहाँ पर एक लड़की हंसते हुए देखने को मिलता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा खुश है, और शायद गॉड भी यही चाहता था कि मैं यहाँ पर खुशी से रह सकूं। तभी पोलका अपने पास के बारे में सोचने लगता है, और कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं अपने पास वाले दुनिया में फिर से जा भी पाऊंगा
होगा या नहीं, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि वो लोग जैसे भी हो कम से कम खुश रहने चाहिए। तभी पोलका यहाँ पर एक टीवी को नोटिस कर लेता है और सोचता है कि क्या यहाँ पर किसी तरीके का इल्यूजन स्पेल का यूज किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा। तभी पोलका को यहाँ पर कुछ पुलिस मैन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे गले पे किसी तरीके का डिजाइन बना हुआ है, क्या तुम यहाँ पर खो चुके हो या फिर तुम्हें क्या किसी तरीके की मदद की जरूरत है। पोलका को इनका लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वो इस बॉडी से उसके ब्रेन की इन्फॉर्मेशन को लेने लगता है और उसे पता चलता है कि वो अभी इस टाइम पे जापान में है और इस कैरेक्टर का नाम है पोलका सिनोमिया। अब पोलका यहाँ पर कुछ कहने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस की छोटी बहन आ जाती है और कहती है कि ये पुलिस लोग बहुत ज्यादा दिमाग खाते हैं, है ना। वो पोलका को खींच कर यहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मिसाकी सिकिमिया है और मैं तुम्हें याद हूँ भी या नहीं, जिसके बाद पोलका सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को किस तरीके से बताऊँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी बातें याद नहीं है। लेकिन तभी उसे इस लड़की के बारे में थोड़े बहुत मेमोरीज आने लगते हैं, लेकिन तभी मिसाकी पोलका को उछाल कर उसे कैच कर लेती है। वेट अ सेकंड, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, मतलब एक सेकंड ही पहले यहाँ पर एक जबरदस्त बैटल चल रहा था, स्टोरी इस टाइम पे अपने मिस्ट्री के पीक पे जा चुका है, लेकिन तुम लोगों को बीच में फैन सर्विस देना है। शर्म करो। अब हमें फिर से उस ड्रोन वाले आदमी को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि पोलका एक 16 साल का आम लड़का है जिसने कोई भी गलत काम नहीं किया है और टेक्निकली हमें उसे मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग उसे नहीं मारेंगे तो हमें अपना डील का पैसा नहीं मिलेगा। तभी मिसा की कहने लगती है कि तुम्हारा शरीर एकदम गर्म और चार्मिंग लग रहा है और देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारे साथ थोड़ी देर पहले एक बुरी तरीके का हादसा हुआ है। तभी वो फिर से कहने लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ठीक से याद है मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से खत्म किया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने पोलका को इस वर्ल्ड में खत्म किया था, जिसे सुनने के बाद पोलका अपने पूरी तेजी के साथ यहाँ से भाग जाता है और एक कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच जाता है। अब पोलका यहाँ पर कहने लगता है कि वो यहाँ पर स्पिरिट्स को सेंस नहीं कर पा रहा है, इस वर्ल्ड के हवा में भी मैजिक बहुत ही कम अमाउंट में है और वो इस टाइम पे जिसके शरीर के अंदर है मानो उसने कभी भी मैजिक पावर्स का यूज ही नहीं किया है और इस तरीके से वो अपने गले के घाव को भी ठीक नहीं कर पाएगा। और तभी यहाँ पर मिसा की भी पहुंच जाती है और पोलका के साथ अपना फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी पोलका सोचने लगता है कि उसके रिफ्लेक्शन तो फास्ट है, लेकिन वो इस तरीके से इस लड़की के सामने टिक नहीं सकता है। तभी मिसा की उसके ऊपर ब्लेड से अटैक कर देता है और कहता है कि बहुत टाइम बाद इन ब्लेड से कोई बच पाया है, जिसके बाद पोलका यहाँ से भागने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि कितनी अजीब बात है, थोड़ी देर पहले ये जगह कितना सुंदर और खुशहाल लग रहा था, लेकिन अभी मानो यही जगह उसके मौत का रीजन बन चुका है। तभी मिसा की यहाँ पर उसे अपने ब्लेड से मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी पोलका कहता है कि पिछले लाइफ में मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे दूसरा मौका मिला है और मैं इस मौके को ऐसे ही आसानी से जाने नहीं दूंगा, जिसके बाद वो यहाँ से फिर से भागने लगता है। अब मिसा की कहने लगती है कि मैंने इससे पहले भी कई सारे गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को खत्म किया है, लेकिन ये लड़का उन सब से बहुत ही अलग लग रहा है और मैंने अगर इस लड़के को जल्दी खत्म नहीं किया तो शायद मैं इसके ट्रैप में फंस जाऊंगा। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पर किस टाइप के ट्रैप का बात चल रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पर ट्रैप पे ट्रैप फेंके जा रहे हैं लेकिन भाव देने का कोई भी चांस ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये लड़का मारपीट करके और भागा दौड़ी करके ट्रैप बना रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब भागते भागते पोलका एक रूम में पहुंच जाता है, जिसके बाद मिसा की भी इस रूम में पहुंच जाती है और मिसा की कहती है कि तुमने इस काम के लिए एकदम सही जगह को चुना है और ये जगह गैंगस्टर के कामों और घोष के आतंक की वजह से ही जाना जाता है और किस तरीके से एक लोगों का ग्रुप यहाँ पर से गायब भी हो जाता है किसी को पता तक नहीं चलता है। और फिर से कहने लगती है कि गैंगस्टर तो ठीक है लेकिन घोष वर्ड थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है। अभी पोलका यहाँ पर अपने मूड में आ जाता है और कहता है कि अजीब तो है लेकिन सच को कौन ही बदल सकता है और मैंने जो सोचा था शायद वो यहाँ पर सच साबित हो रहा है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये एविलाइज का पावर मेरे सोल को मिला है ना कि मेरे बॉडी को, और मैं सही भी था, इस बॉडी के सहारे भी मैं उन सारे सोल्स को देख सकता हूँ जिन्हें मुझे देखना चाहिए था। मिसाकी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने सुना है जब इंसान गुजर जाते हैं तो उनके बॉडी से 25 ग्राम वेट कम हो जाता है, जिसे बहुत से लोग सोल्स का
ओरिजिनल वेट भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सोल से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो इसलिए मैं तुम्हारे अंदर से उस 25 ग्राम सोल को भी निकलने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो पोलका के ऊपर अटैक कर देती है। तभी पोलका कहने लगता है कि स्पिरिट्स से मुझे पावर मिलता है और स्पिरिट्स बुरे नहीं होते हैं और तुम्हें उन्हें वेस्ट करने का भी कोई भी अधिकार नहीं है। जिसके बाद पोलका उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। अब हमें उस जगह को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर कॉप्स गॉड और सुगुरुआ के बीच में बैटल हुआ था। यहाँ पर सुगुरुआ परेशान होकर कहने लगता है कि मैंने जब उसके साथ फाइट स्टार्ट किया था उसने यहाँ पर काफी सारे स्पेल्स का यूज किया था और उनमें से मैंने टेलीपोर्टेशन स्पेल को भी नोटिस कर लिया था, जिस वजह से मुझे ये लगता है कि कॉप्स गॉड अभी भी खत्म नहीं हुआ है और उसके मरने के बाद मुझे उसका सोल भी ठीक से देखना चाहिए था, लेकिन उसका सोल मानो अचानक से ही वहाँ पर से गायब हो गया। तभी उसकी पार्टनर कहने लगती है कि मैंने चर्च से न्यूज ले लिया है और मुझे पता चला है कि कॉप्स गॉड की वजह से जितने सारे इफेक्ट्स हो रहे थे वो सारे इफेक्ट्स इस टाइम पे गायब हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि कॉप्स गॉड उनके लिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब पोलका यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने इस बॉडी को मारने की कोशिश क्यों किया है, लेकिन शायद मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए और तुम्हारी वजह से मुझे अपना दूसरा लाइफ मिला है और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सोल्स की कोई भी कमी नहीं है। और इस टाइम पे उसके पावर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसका ब्रेन का केज इस टाइम पे टूट चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सुगुरुआ यानी कि क्लेमेटी क्रसर नहीं बल्कि कॉप्स गॉड जिसे उस सदी का सबसे पावरफुल विलेन माना जाता है वो इस वर्ल्ड में आ चुका है। और अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सुगुरुआ ही टेलीपोर्ट हुआ है, लेकिन जब मुझे पता चला कि असल में कॉप्स गॉड है तो मैं लिटरली शॉक हो गया था। अब पोलका उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए सोने का नाटक नहीं कर सकते, तुम्हें अब यहाँ पर उठ जाना चाहिए। लेकिन पोलका नोटिस करता है कि वो यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब हमें कॉप्स के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि जिसके पास भी एविल आइज होते हैं वो सोल्स को देख पाता है और उसका लाइफ कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पेरेंट्स ने उसे उसके बचपन में ही भेज दिया था, जिसके बाद उसे सेना में एज ए नेक्रोमेंसर यानी कि जो लोग काला जादू का यूज करते हैं उनके तौर पर उसे ऐड किया गया था और उसे इस चीज से मुक्ति तब मिला था जब ये दल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लेकिन कॉप्स कहता है कि इतने सारे चीजों के बावजूद मुझे लाइफ में सिर्फ शांति चाहिए था। अब हमें केव के अंदर कुछ भूखे बच्चों को दिखाया जाता है और कॉप्स उन्हें थोड़ा सा खाना देने का डिसीजन लेता है। अब ऐसे ही करते करते एक दिन उन बच्चों को कॉप्स के सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उन बच्चों ने कॉप्स के साथ ही रहने का डिसीजन ले लिया और उसके साथ ही टाइम स्पेंड करने लगे और इसी के दौरान एक लड़की कॉप्स के लिए फीलिंग डेवलप करने लगती है। लेकिन आम लोगों को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, एक स्केलेटन एक आम आदमी के साथ कैसे रह सकता है और उन लोगों ने इन पर अटैक करना इन लोगों के साथ रहने से ज्यादा सही समझा और इसी चीज के दौरान वो लड़की यहाँ पर मारी जाती है। अब कॉप्स यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाता है और एक ही अटैक से उन सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर देता है, लेकिन इसके बावजूद कॉप्स को अपने लाइफ में सिर्फ शांति चाहिए था, जिसके बाद वो अपना पूरा टाइम सिर्फ डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ने में ही लगा देता है और उस दिन का वेट करने लगता है जब एक सच्चा वॉरियर आके उसे जिंदगी से मुक्ति देगा, क्योंकि वो इंसानों की तरह ऐसे ही नहीं मर सकता है। और फाइनली जब उस वॉरियर ने उसके ऊपर अटैक किया था उसने अपना सुप्रीम रीइंकार्नेशन टेक्निक को ऑन कर लिया था और सिर्फ इसी वजह से वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो सका है। अब ड्रोन वाला आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि उसने ऐसा चीज अपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन तभी उसे उसकी मालिक कॉल कर लेती है और कहती है कि तुमने अपना काम अभी तक फिनिश क्यों नहीं किया है। लेकिन तभी वो आदमी उन्हें एक वीडियो भेज देता है और उन लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए कहता है। अब हमें पोलका के सीन को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं इस दुनिया में आ सका हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। और तभी वो फिर से कहता है कि अगर इस दुनिया के लोगों को पता चला कि मैंने एक लड़की को यहाँ पर खत्म कर दिया है तो वो लोग मुझे यहाँ पर शांति से जीने नहीं देंगे। लेकिन मैंने तो इसके ऊपर कितना कमजोर अटैक किया था, ये लड़की इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है, इसके पास कोई हीलिंग या फिर रिकवरी स्पेल भी नहीं है क्या। अब हमें फिर से ड्रोन वाले आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम टाकुमी कुरोया है और मैं अपने ड्रोन और नेटवर्क के सहारे अपने बिजनेसेस को रन करता हूँ और कभी कभी ज्यादा कमीशन के लिए मैं गैंगस्टरों को बॉडी छुपाने में मदद कर देता हूँ। लोग मुझे एक अच्छा आदमी मानते हैं और मैंने उनकी उम्मीदों को कायम रखा है, लेकिन मैं इस घटिया केस में कैसे फंस गया ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब हम देखते हैं कि उनकी लीडर अटैक स्पॉट की तरफ जा रही होती है और थोड़ी देर के अंदर वो पोलका के सामने पहुंच जाती है और इस लीडर का नाम क्लैरिसा है। क्लैरिसा आते ही टाकुमी से पूछने लगता है कि यहाँ पर दो ड्रोन क्या कर रहे हैं। टाकुमी बताता है कि उसका सिर्फ एक ही ड्रोन है और दूसरा ड्रोन पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन अजीब बात यह है कि दूसरा ड्रोन बिना मोटर के चले ही उड़ रहा है। अब पोलका कहता है कि उसे बस यहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम लगे
लगेगा, जिसके बाद वो अपने काम को फिनिश कर लेगा। लेकिन पॉल का यहाँ पर जिन टेक्निक्स का यूज कर रहा है, इसे देखकर वो सब लोग बुरी तरीके से शॉक होते हैं। तभी क्लैरिसा टाकुमी से पूछने लगती है कि क्या ये काम तुम्हारा है। टाकुमी बताता है कि अगर वो इस टाइप के CGI को बना पाता तो वो इस काम को नहीं कर रहा होता। अब पॉल का कहता है कि थोड़ी देर बाद आप लोगों को इसके ऊपर सिर्फ रिजोल्यूशन मैजिक को यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद ये ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सब लोग यहाँ पर छुप ही रहते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस मैजिक के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तभी पॉल का उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों के पास हीलिंग स्पेल या फिर रीजेनरेशन का स्पेल नहीं है। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने ये सारी चीजें सिर्फ गेम के अंदर ही देखा है। लेकिन पॉल का को गेम का मतलब नहीं पता होता है। तभी पॉल का उनसे पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर स्पिरिट आर्ट या फिर मैजिक टेक्निक को सिखाया नहीं जाता है। वो लोग बताते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत ही कम ही लोग हैं जो अपने आप को मैजिशियन बोलते हैं, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर लोग ढोंगी होते हैं। तभी पॉल का को रियलाइज होता है कि वो इस टाइम पे जिस वर्ल्ड में आ चुका है, इस वर्ल्ड के लोग मैजिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं और ये उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तभी पॉल का यहाँ पर एक आदमी को घायल कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी उन्हें न्यूज मिलता है कि साकुजावा बिल्डिंग में इस टाइम पे आग लग चुका है। अब इस चीज को सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि याकुजावा बिल्डिंग में काफी सारे बच्चे भी रहते हैं। लेकिन क्लैरिसा कहती है कि जब तक हमारा ये काम खत्म नहीं हो जाता है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक अजीब सा आंख उनके टैब की तरफ देख रहा है, जिसके बाद वो लोग तुरंत उसे मार देते हैं। तभी पॉल का कहता है कि यहाँ पर किस टाइप का मुसीबत आ चुका है, क्या कोई मुझे कह सकता है। क्लैरिसा कहती है कि याकुजावा बिल्डिंग एक अनऑफिशियल नर्सरी है, जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनके मॉम डैड वहीं पर काम करते हैं। अब पॉल का उन बच्चों को बचाने का ऑफर देता है और कहता है कि मैं अपने पास के लाइफ में बहुत बार जल चुका हूँ और मुझे पता है कि जलने पर कैसा महसूस होता है, और मैं ये सेम चीज बच्चों के लिए होने नहीं देना चाहता। अब क्लैरिसा उसे वहाँ पर जाने का परमिशन दे देती है, लेकिन पूरे टाइम टाकुमी को उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अब पॉल का अपने पावर का यूज करके उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, जिस पावर को उसने उस रूम में कलेक्ट किया था। और टाकुमी कह रहा होता है कि जब ये मीसा की से बच के भाग रहा था तब तो इतना तेज नहीं जा रहा था, और भाई भागेगा भी कैसे, हजारों साल पुराना कंकाल है तो क्या हुआ, है तो मर्द ही ना, इसलिए लड़कियों के सामने कमजोरी तो निकल ही जाती है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। अब पॉल का यहाँ पर पहुँचने के साथ ही अपने एविल आइस का यूज करके पता कर लेता है कि बच्चे यहाँ पर अभी भी जिंदा है, और एविल हैंड का यूज करके अपने आप को इसके अंदर थ्रो कर लेता है, और ये चीज इतना फास्ट होता है कि कोई उसे नोटिस भी नहीं कर पाता है। अब पॉल का यहाँ पर आने के बाद देखता है कि उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, और वो उन सब से उनकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सब लोग स्केलेटन बनके अपने बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक बच्चे का भी प्रोस्पेक्टिव दिखाया जाता है, और इतनी सारी चीजों के बीच में वो लड़की ये चीज सेंस लेती है कि और कोई नहीं बल्कि उसका डैड है। दूसरी तरफ सब लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और कई सारे लोगों ने तो इस चीज का वीडियो भी बना लिया है। अब पॉल का उस जगह से निकलने में भी कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर टाकुमी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि इसने मिसाकी को एक झटके में ऐसे मार दिया मानो इसके लिए वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उसे पता चला कुछ बच्चे खतरे में है तो वो उन्हें बचाने के लिए चला आया, लेकिन इन सब के बावजूद ये लड़का बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहा है और क्लैरिसा से कहता है कि हमें इस लड़के से बचकर रहना चाहिए। लेकिन क्लैरिसा पॉल का को यहाँ पर जल्दी से लाने के लिए कहती है, क्योंकि मिसा की लगता है जल्दी उठने वाली है। और अब इस चीज को सुनकर टाकुमी को अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा होता है। अब हमें यहाँ पर मिसाकी के पास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही खुश होती है और उसे अपने स्माइल की वजह से ही जाना जाता है। लेकिन एक दिन उसी के सामने उसके मॉम और डैड को मार दिया जाता है, जिसके कुछ सालों बाद उसे साइको किलर और क्लैरिसा के पेट के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि वो अपने एनिमीज को बहुत ही बड़े स्माइल के साथ मारती है। और एक दिन देखती है कि उसने उसी बंदे को पकड़ लिया है जिसने उसके मॉम और डैड को मारा था। तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मारने के बाद तुम एक हीरो बन जाओगे और सब लोग तुम्हें पूजने लगेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मिसा की कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे इस काम के बदले में पैसे मिले हैं और वैसे भी मुझे तुम जैसे लोगों को मारने में मजा आता है। तभी वो आदमी पूछता है कि अगर तुम्हें पैसों के बदले में किसी अच्छे आदमी को मारने को दिया जाएगा तो क्या तुम उसे भी मार दोगे। तभी मीसा की कहती है कि मुझे इस काम को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसके बाद वो एक अच्छे आदमी के तौर पर पॉलका को चूज कर लेती है, और इसी वजह से वो पॉलका को मारने के लिए आया था। अब इसके बाद मीसा की एक बैरियर के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने बुरे आदमी को तो बहुत मारा है और एक अच्छे आदमी को भी बिना किसी प्रॉब्लम के मार दिया, जिसका मतलब है कि मैं इस टाइम पे सबसे बुरा आदमी बन चुका हूँ और मुझ जैसे लोगों को इस दुनिया में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद मीसा की यहाँ से जंप कर लेती है, लेकिन तभी उसे कॉल आ जाता है जिस वजह से वो यहाँ पर
रुक जाती है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने थोड़ी देर पहले मार के आया था वो अभी भी जिंदा है और उसे अपने काम को फिनिश करने का ऑर्डर दिया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि इसी चक्कर में मीसा की खुद ही यहाँ पर मारी जाती है। अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर मीसा की आँख खुल जाती है और कहती है कि एक सेकंड पहले ही तो मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ था। पोल्का कहता है कि तुम यहाँ पर खत्म ही हो गए थे लेकिन मैंने अपने मैजिक पावर का यूज करके तुम्हें वापस लाया है। और इस टाइम पे क्लैरिसा भी यहाँ पर मौजूद होती है जिस वजह से वो मीसा को हग कर लेती है। लेकिन भाई स्टोरी के बीच में ऐसे मोमेंट्स को मत लाओ यार, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तभी पोल्का कहता है कि मुझे समझ में आ चुका है इस वर्ल्ड के लैंग्वेज में तुम्हें एक ज़ॉम्बी कहा जाता है। तभी पोल्का कहता है कि इतने आधुनिक जमाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तभी पोल्का पूछता है कि इस वर्ल्ड में मुझे शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी क्लैरिसा कहती है कि इस वर्ल्ड में शांति पाने के लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई सच कहूँ तो इन सारे लोगों में से लगता है इस लड़की के पास ही एक्चुअल दिमाग है। तभी पोल्का कहता है कि उसे भी ये चीज पता है क्योंकि उसके वर्ल्ड में भी ये चीज लागू होता है। और तभी वो डिसाइड करता है कि क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकता है तो अपने मैजिक पावर का यूज करके इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बन जाएगा जिस वजह से उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तभी क्लैरिसा उसे बताती है कि वो सिंजुकु में इंटरमीडियरी का काम करती है और अगर उसे कुछ अच्छे पैसे कमाने हैं तो उसके अंडर में काम कर सकता है। और जिन्हें इंटरमीडियरी का मतलब पता नहीं है ये असल में वो लोग होते हैं जो दो ग्रुप्स के बीच में डील करवाते हैं। और हाँ ये चीज मैंने अभी बस गूगल किया है। वेल इनकी बातों को टाकुमी भी सुन लेता है और कहता है कि पता नहीं कब मैं इस मैच से निकल पाऊंगा। अब हमें मीसा की पोल्का और टाकुमी को दिखाया जाता है और वो तीनों मिलकर एक रूम में चिल कर रहे होते हैं। अब टाकुमी कहता है कि तुम अभी जिसके बॉडी में हो उसका कोई ना कोई फैमिली तो जरूर होगा, तो तुमने उनके बारे में क्या सोचा है। पोल्का कहता है कि इस टाइम पे समर वेकेशन चल रहा है और मैंने अपने घर में बता दिया है कि मैं इस टाइम पे बाहर में घूमने आया हूं। और क्लैरिसा ने मुझे कुछ कार्ड देने के लिए कहा था और मैंने इनको अपने फैमिली मेंबर्स को भेज दिया है। तभी टाकुमी नोटिस करता है कि ये असल में वही कार्ड है जिसे विक्टिम के डेथ के टाइम को गुमराह करने के लिए यूज किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि मीसा की यहाँ पर एक वीडियो को देख रही होती है जहाँ पर पोल्का ने उन सारे बच्चों को बचाया था और कहती है कि ये काम तो कितना ज्यादा कूल है। तभी टाकुमी कहता है कि मेरे पास एक मॉन्स्टर और एक साइको किलर है और बारातियों के तौर पर कई सारे स्केलेटन घूम रहे हैं, तो ये जगह किसी को कूल कैसे लग सकता है। अब पोल्का कहता है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड में शांति से रहना है तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि किसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था और मुझे मारने से पहले मुझे उसको ही खत्म करना पड़ेगा। टाकुमी कहता है कि उसे और मीसा की को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं होता है लेकिन अगर वो क्लैरिसा से पूछता है तो शायद वो उसे कुछ बता सकती है। पोल्का कहता है कि उसने क्लैरिसा से इसके बारे में पहले ही पूछा है लेकिन क्लैरिसा ने कहा है कि वो अपने क्लाइंट्स के डिटेल को इस तरीके से शेयर नहीं कर सकती है लेकिन इसके बदले में उसने मुझे ये रूम रहने के लिए दिया है और प्रॉमिस किया है कि वो आगे से मुझे मारने का ऑर्डर नहीं लेगी। तभी टाकुमी कहता है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हें थोड़ी देर पहले मारने का कोशिश किया था, तो तुम्हें इसके साथ रहने में कोई भी परेशानी नहीं है। पोल्का कहता है कि इसके साथ में रहने में मुझे क्या ही परेशानी हो सकती है और वैसे भी मैं थोड़ी ना वो हूँ जो फाइट के बीच में मारा गया था। और कहता है कि वैसे भी वो यहाँ पर खत्म ही हो गई थी और मैंने तो बस उसे रिवाइव किया है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? टाकुमी पूछता है कि उसे रिवाइव करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। पोल्का बताता है कि उसे मीसाकी को बचाने का कोई भी इरादा नहीं था लेकिन असली पोल्का ने उसे इसे बचाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। टाकुमी ये सोच के शौक होता है कि पोल्का घोस्ट के साथ भी बात कर सकता है लेकिन पोल्का बताता है कि असली पोल्का इस टाइम पे इसी रूम में ही है और असल में उसका जो ड्रोन खराब हो गया था पोल्का भी उसके अंदर है। टाकुमी पूछता है कि तुम घोस्ट और स्पीड्स के साथ रहते हो तो तुम्हें इन सारी चीजों से डर नहीं लगता है? लेकिन पोल्का कहता है कि मुझे इन चीजों से डर लगने की क्या जरूरत है बल्कि ये तो मेरे लिए खिलौनों की तरह ही है। अब टाकुमी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे इस लड़के से थोड़ा सा सावधानी बरत कर रखना पड़ेगा। पोल्का बताता है कि पिछले लाइफ में मैं एक बहुत बड़ा स्केलेटन हुआ करता था और सब लोग मुझे कॉप्स गॉड के नाम से जाना करते थे लेकिन तभी वो कहता है कि हमने बहुत देर तक फालतू की बातें कर लिया है, तुम लोग बस मुझे ये बताओ कि किस तरीके से मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मीसा की बताती है कि तुम मेरी तरह एक परफेक्ट असासिन बन सकते हो लेकिन पोल्का कहता है कि ये मेरे टाइप का काम नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि उनके पास एक कस्टमर आ चुका है और उस कस्टमर का रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम सिर्फ मीसा की से ही करवाना चाहता है। वो आदमी कहता है कि किसी दूसरे गैंग के मेंबर ने मुझे मारने का ऑर्डर दिया है और तुम लोगों को मुझे बस प्रोटेक्ट करना है लेकिन मीसा की कहती है कि इस टाइम पे वो बहुत ही बिजी चल रही है इसलिए वो इसका काम नहीं ले सकती है। अब वो आदमी इसे सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है। तभी पोल्का कहता है कि मैं तुम लोगों के
रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी वो आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन मीसा की कहती है अगर पॉल का इस काम को करेगा तो मैं भी उसके साथ में चलूंगी। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है और वो आदमी कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो सारे असासिन्स रहते हैं, और कहता है कि असासिन्स कुछ ज्यादा ही बुरे हैं क्योंकि वो कभी भी पूरे फैमिली को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो आधे फैमिली को जिंदा रहकर नर्क में देखना चाहते हैं। तभी मीसाकी को पता चलता है कि असल में वही ग्रुप है जिन्होंने उनके मॉम और डैड को मारा था, जिसके बाद वो बिना किसी देरी के उन सभी को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एम्बुश किया गया है, और जिन्हें एम्बुश का मतलब पता नहीं है तुम इन असासिन्स को पबजी के कैंपर्स मान सकते हो। लेकिन हमारी मीसाकी भी किसी से कम नहीं होती है, वो उन सारे लोगों को बहुत ही आसानी से यहीं पर खत्म कर देती है और कहती है कि मीसाकी को हारने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा स्ट्रांग लोगों की जरूरत है। लेकिन तभी मीसाकी को कोई पीछे से फायर कर देता है और हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने उनसे मदद मांगा था ये प्लान असल में उसी का है। सही पॉल का कहता है कि तुमने अपने लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन इस टाइम पे ले लिया है, क्योंकि तुमने अभी जिसे मारा है वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जिसे दो बुलेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है। अब मीसाकी उठने के बाद इन दोनों को ही बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। सही पॉल का कहता है कि मैंने उस टाइम पे तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पास में जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए थे मैंने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। अब उन बच्चों के घोस्ट ही एक हैंड को क्रिएट कर देते हैं और उसकी मदद से इन सारे लोगों को ट्रैप कर दिया जाता है। और तभी पॉल का उन बच्चों से माफी मांग लेता है और कहता है कि माफ करना, जब तुम लोग जिंदा थे मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया था। अब टाकुमी क्लैरिसा को कॉल कर लेता है और कहता है कि जिस आदमी को वो लोग बचाने के लिए गए थे वही असली ट्रेटर निकला है, और कहता है कि कहीं ये उसी का प्लान तो नहीं है। क्लैरिसा कहती है कि ये उसका काम नहीं है और मीसाकी ने अपने काम के दौरान ढेर सारे दुश्मन बना लिए है और ये शायद उन्हीं में से कोई एक होगा। अब हमें दो लोगों को एक जगह को साफ करते हुए दिखाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोगों की हालत बुरी तरीके से खराब हो रखी है। लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से एक पार्टनर गायब हो जाता है, जिसे देखकर दूसरा पार्टनर की तो हवा टाइट हो जाती है। लेकिन तभी एक पीछे से स्केलेटन हैंड आके उसे भी पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये काम असल में लेमिंग का है। और हाँ गाइस, लेमिंग एक बहुत ही पावरफुल विलेन है, तो उसके फाइट को देखकर आपको लिटरली बहुत ही मजा आएगा। अब हमें मीसाकी के सीन को दिखाया जाता है और मीसाकी कह रही होती है कि सच में ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि मुझे पीछे से दो फायर किए गए हैं। लेकिन भाई कोई सीन्स को तो बंद करो यार, लगता है अब तो नोज ब्लीडिंग ही होके रहेगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अब टाकुमी उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए इंसान तो खिलौनों की तरह है, तो तुमने उन बच्चों के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया है? पॉल का कहता है कि वो लोग मेरे खिलौने तो हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे खिलौने बहुत ही पसंद है और उनके साथ कोई बुरा करे ये चीज मैं देख नहीं सकता। अब टाकुमी सोचने लगता है कि एक मॉन्स्टर तो हो सकता है लेकिन इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो तो हम लोग ही है जिसने पता नहीं कितने लोगों को तरपाया है। अब हमें क्लैरिसा को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर कौन से फैंटेसीज को पूरा कर रही है वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन तभी क्लैरिसा को एक अजीब सा कॉल आ जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे टीम में एक मॉन्स्टर को ऐड किया गया है। क्लैरिसा इस चीज को साफ साफ ना कर देती है और कहती है कि जिसने आज उनके टीम में ज्वाइन किया है वो तो असल में मीसाकी का छोटा भाई है और उसे छुट्टी के दौरान कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उनके अंडर काम कर रहा है। अब पॉल का यहाँ पर उनके बुक्स को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज्यादा सुपर नेचुरल चीजें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में फैंटम एग्जिस्ट करता है जो कि उनके वर्ल्ड में भी पाया जाता है। अब मीसाकी फैंटम्स के बारे में सुन के एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद पॉल का कहता है कि अगर उसके पास इनफ माना हो जाता है तो मीसाकी को भी फैंटम में बदल सकता है, जिसे सुनकर मीसाकी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ टाकुमी कह रहा होता है कि पता नहीं मुझे इतने छोटे से लाइफ में और क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन वैसे भी मेरा लाइफ बहुत ही बोरिंग हो रहा था तो फाइनली मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने को तो मिला है। अब थोड़े टाइम बाद वो सब लोग एक साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं और टाकुमी पूछता है कि मीसाकी तो इस टाइम पे जिंदा नहीं है तो उसके बॉडी का क्या होगा। पॉल का कहता है कि उसे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल और कम सेंसिटिव हो जाएगी। मीसाकी चाहे तो कच्चे मीट को भी खा सकता है, लेकिन अगर उसने किसी जिंदा जीव को काट लिया तो वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो सकता है। लेकिन तभी मीसाकी पॉल का कोई कार्ड लेती है और कहती है कि ये चीज तो सच में वर्क करता है। और मीसाकी टाकुमी से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अभी काट लिया तो ये इनडायरेक्ट किस की तरह हो सकता है, तो तुम्हें इससे शायद मजा आएगा। लेकिन टाकुमी कहता है कि मैं एक इज्जतदार और उसूल पे चलने वाला बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने क्लाइंट के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। अब हमें एक बार के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी क्लैरिसा का वेट कर रहा होता है और बारटेंडर से पूछता है कि किसी तरीके का प्रॉब्लम आ चुका है क्या। बारटेंडर बताता है कि क्लैरिसा का आजकल काम में बहुत ही प्रेशर चल रहा है, इसलिए वो आज शायद लेट ही आएगी। तभी वो आदमी कहता है कि ये स्केलेटन वाला मामला बहुत ही ज्यादा चल रहा है, लेकिन इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं भी मर गया तो मैं भी तो एक स्केलेटन ही बन जाऊंगा ना। लेकिन तभी एक आदमी आके उस आदमी को यहाँ पर उठा लेता है।
तभी हम देखते हैं कि एक आदमी दूसरी तरफ इनसे माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसके पास फे करने के लिए इनफ पैसे नहीं है। तभी एक आदमी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी ही यहाँ पर घायल हो जाता है और उस अकेले आदमी ने इन सारे आदमियों को मार दिया है। अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर पोलका ने कई सारे लोगों को ट्रैप कर दिया था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर पुलिस तो आ जाती है, लेकिन एक आदमी यहाँ पर आने के साथ ही एक मुक्का मार के इस पूरे बॉल को ही तोड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पर स्पेशल डिविजन के लोगों को बुलाया जाता है और वो लोग यहाँ पर आने के साथ ही कहने लगते हैं, ये काम किसी आम आदमी का नहीं है, ये तो हम में से ही किसी एक का काम है। उनका पहला ही शक लैमिंग या फिर ग्राइम रीपर के ऊपर जाता है, क्योंकि आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर इन दोनों का ही काम है। और हाँ, इन स्पेशल डिविजन के लोगों में से इसका नाम है सुबाकी इवानो में और इसका नाम है कोजाबुरो अरासे। अब हमें पोलका के सीन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि इस टाइम पे उसे पहले से बेटर लग रहा है। तभी टाकुमी कहता है कि हम लोग तो तुम्हारे वहाँ के लोगों जैसे नहीं दिखते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है? पोलका कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो बिल्कुल मेरे वहाँ के लोगों के जैसे ही दिखते हो, लेकिन तुम लोगों का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पोलका मिसाकी के स्टाइल का बात कर रहा है। तभी पोलका कहता है कि तुम्हारे और हमारे वॉल में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है और शायद तुम्हारे और हमारे वॉल के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। तभी टाकुमी पूछता है कि उन आदमियों का क्या होगा जिन्हें तुमने वहाँ पर ट्रैप किया था। पोलका कहता है कि उसने उस ट्रैप को इसी तरीके से बनाया है कि कोई भी आम आदमी इस ट्रैप को तोड़ ही नहीं सकता है। अच्छा वेल गाइस, हम सभी को पता है कि ये ट्रैप ऑलरेडी टूट चुका है, लेकिन क्या आप लोग बता सकते हो कि लैमिंग और ग्राइंड रीपर में से इस ट्रैप को किसने तोड़ा है? अब हमें शिंजुकू के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा होता है। सुबाकी बताता है कि फायर ब्रीदिंग बग, ग्राइंड रीपर और लैमिंग इस टाइम पे उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और जिस जगह पे सारे लोगों को ट्रैप किया गया था वहाँ पर लैमिंग के फुटस्टेप भी पाए गए हैं। और भी यहाँ पर कई सारे लोगों के नाम बताए जाते हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उनके नामों को बस लिख दिया है। सुबाकी कहता है कि इन सारे लोगों में से ज्यादातर लोगों को मार दिया गया है या फिर सॉलिटरी में लिया गया है और कहता है कि हम मटेरियल कॉम्पाइलेशन के थर्ड डिवीजन का हिस्सा है और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे बाहर नहीं जाना चाहिए। और कहता है कि स्केलेटन ने जिस जगह से लोगों को बचाया था उन्हें अपने सीक्रेट सोर्सेज से पता चला है कि उस जगह पे फायर ब्रीदिंग बग ने आग लगाया था, लेकिन उन्हें उस स्केलेटन के बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी तक पता नहीं चले हैं। तभी एक आदमी पूछता है कि ये वीडियो किसी तरीके का CGI हो सकता है क्या? तभी सुबाकी कहता है कि कई सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग एंगल से वीडियो बनाया है और अलग अलग लोकेशन से अपलोड भी किया है, तो इस वीडियो के फेक होने के चांसेस कई हद तक कम हो जाते हैं। और सुबाकी कहता है कि हमें पैनिक करने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा इन सारे केसेस के पीछे कोई ना कोई इंसान ही होता है। और कहता है कि हमने फैंटम सॉलिटरी केस के अंदर भी देखा था कि इसके पीछे एक एफिशिएंट आदमी का ही काम था। और कहता है कि हम लोग इस केस को भी किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि हर केस के पीछे हमेशा कोई ना कोई इंसान ही होता है। अब हम देखते हैं कि पोलका सॉफ्ट टॉय के साथ कुछ शो कर रहा होता है और टाकुमी भी इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद होता है। तभी पोलका कहता है कि उसने असली पोलका के लाइफ को इस सॉफ्ट टॉय के अंदर डाल दिया है, जिस वजह से उसे अब उसके ड्रोन की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसे सुनकर टाकुमी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि अगर दूसरा पोलका भी बात कर पाता तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता था। पोलका कहता है कि ये चीज तो पॉसिबल है, लेकिन उसे इसके लिए किसी जिंदा आदमी के जीव की जरूरत है या फिर उसे जीव को बनाने के लिए काफी ज्यादा माना को वेस्ट करना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि उनके वर्ल्ड के हवा में माना का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, उसे आसपास कोई स्पिरिट भी नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने पावर को भी रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने फर्स्ट कस्टमर से मिलने से पहले ही अपने सारा माना को खो दूंगा। और वैसे भी उसे पोलका की आत्मा को इस दुनिया में रखने के लिए बहुत सारे माना को वेस्ट करना पड़ रहा है। और कहता है कि सैडनेस, एंगर, डिफीट, रिग्रेट, ये सारे ऐसे चीजें हैं जिनसे वो सोल्स को मैजिक पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसलिए जब उसे बेसमेंट में काफी सारा माना मिल गया था उसी पावर का यूज करके उसने मिसाकी को एक पल में हरा दिया था। तभी टाकुमी बताता है कि ऐसी जगह जहाँ पर काफी सारे सोल्स रहते हैं इन जगह को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी मिसाकी दूसरे पोलका से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों इस टाइम पे दूसरा पोलका पूरी तरीके से लाल हो जाता है। और गाइस यहाँ पर दो दो पोलका होने की वजह से मुझे बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इस सॉफ्ट टॉय वाले पोलका को पोलका ही कहेंगे और जो इस टाइम पे पोलका के बॉडी
गली में है उसे हम कॉप्स गॉड कहेंगे। तभी कॉप्स कहता है कि उसे इस चीज का दूसरा रास्ता भी पता है, लेकिन इसके लिए उसे माना स्टोन की जरूरत है और माना स्टोन को इस वर्ल्ड में जेम्स स्टोन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हीरे मोती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कहता है कि अगर वो एक बकेट हीरे को खरीद कर अगर उनसे सारे पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है तो अपने सारे पावर को फिर से रीगेन कर सकता है। और इस चीज को सोचकर वो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी टाकुमी कहता है कि टॉप में जाने के बाद पॉलकर को पता चलता है कि एक स्टोन को खरीदने के लिए उसे अपना पूरा महीने के सैलरी को वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पॉलकर कहता है कि कोई बात नहीं, एक दिन मैं इतना सारा पैसा कमाऊंगा कि मैं इस पूरे दुकान को ही खरीद लूंगा। जिसे सुनने के बाद वहाँ की शॉपकीपर कहती है कि इस काम के लिए तुम्हें 395,27,95,800 yen की जरूरत पड़ेगा। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा। जिसके बाद वो दोनों शॉप से निकल जाते हैं और पॉलकर कहते हैं कि वो स्टोन बहुत ही पावरफुल था और मुझे स्टोन का जरूरत था। मीसा की कहती है कि क्या तुम उस स्टोन को बिना खरीदे ही बाहर से अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। पॉलकर कहता है कि वो बाहर से उन स्टोन को अब्सॉर्ब तो कर सकता है, लेकिन इससे वो सारे स्टोन वहीं पर टूट जाते हैं और ये चीज उस शॉप के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिससे हमें पता चलता है कि पॉलकर कभी भी बेवजह किसी का भी नुकसान नहीं चाहता। तभी टाकुमी देखता है कि उनके सामने अरासे पहुंच चुका है और टाकुमी के कुछ कहने से पहले ही अरासे उसके ड्रोन को पकड़ लेता है और उन दोनों से उन्हें डराने के लिए माफी मांग लेता है और ड्रोन से कहता है कि मुझे पता है जब तुम्हारे ड्रोन के ब्लेड बंद हो जाते हैं तो तुम इसके अंदर से भी बात कर सकते हो। लेकिन टाकुमी यहाँ पर बहुत डर रहा होता है क्योंकि वो अरासे को बहुत पहले से ही जानता है और तभी वो सोचने लगता है कि अगर इसे मीसा की और पॉलकर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो मैं इसे गुमराह कर सकता हूँ। लेकिन तभी पॉलकर कहता है कि वो ड्रोन मेरे दोस्त का है और तुम्हें उस ड्रोन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तभी अरासे कहता है कि उसके जैसा गंदा नाली का खीरा तुम जैसे लोगों को शायद ब्रेन वॉश करता होगा और तुम्हें उसके साथ दोस्ती अभी के अभी तोड़ देना चाहिए। तभी पॉलकर कहता है कि घटिया आदमी, ब्रेन वॉशर, गंदी नाली का खीरा, ये सारी चीजें सोसाइटी किसी आदमी को कह सकता है, लेकिन एक आदमी को किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए, किसके साथ अपना रिलेशनशिप रखना चाहिए, ये चीज कहने का हक किसी को भी नहीं है। तभी अरासे उससे दूर चला जाता है और कहता है कि अब मुझे टाकुमी के बारे में जानने का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो तुम में इंटरेस्ट आ चुका है। अब हमें क्लैरिसा के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह की इवानो में पहुँच चुका है और कहता है कि जब साकुजा बिल्डिंग में आग लग गया था तुम्हारा टीम किसी रीजन के चलते बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, लेकिन उसी टाइम पे तुम्हारा ड्रोन वहाँ पर क्या कर रहा था और अगले दिन ही एक ट्रैप में कई सारे लोगों को पाया गया था जिनमें से एक तुम्हारा आदमी भी मौजूद है। और कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर समझ लेना चाहिए, इन सारे काम में तुम्हारा भी हाथ है। अब दूसरी तरफ टाकुमी कहने लगता है कि काजाबुरो अरासे शिंजुकु के सेफ्टी डिविजन का मेंबर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं है क्योंकि जब वो एक स्ट्रीट गैंग का मेंबर हुआ करता था काजाबुरो ने अकेले ही 8 लोगों को खत्म कर दिया था। तभी अरासे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि टाकुमी एक बहुत बड़ा स्कैमर है और क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने ये चीज समझाया नहीं है कि इन जैसे स्कैमर से दूर रहना चाहिए। पॉलकर कहता है कि उनके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही भेज दिया था, उनके पेरेंट्स ने उसे कभी भी ये सब कुछ सिखाया नहीं है। अरासे को ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है जिसके बाद वो उन दोनों से उनका नाम पूछ लेता है। लेकिन टाकुमी यहाँ पर टेंशन में आ जाता है क्योंकि मीसा की साइको किलर से नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सबको ये भी पता है कि मीसा की क्लैरिसा के लिए काम करती है। तभी टाकुमी अरासे को कॉल कर लेता है और कहता है कि वो दोनों असल में मेरे गेमिंग के पार्टनर्स हैं और वो दोनों क्लैरिसा के बार में काम करते हैं। और इसी बीच में वो वहाँ पर कुछ ड्रोन्स को भेज भी देता है और कहता है कि क्या होगा अगर लोगों को पता चला कि तुम रास्तों में दो बच्चों को परेशान कर रहे थे और वो भी इसलिए क्योंकि वो दोनों एक बार में काम करते हैं। तभी अरासे कहता है कि लगता है तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। और मीसा की और पॉलकर को कहता है कि क्या तुम्हें टाकुमी के सच्चाई के बारे में पता है, जब मैंने इसे पहली बार पकड़ा था तो डर के मारे इसने अपने जान को बचाने के लिए अपने सारे दोस्तों का नाम ऐसे ही बता दिया था और तुम्हें इन जैसे लड़कों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। पॉलकर कहता है कि टाकुमी थोड़ा सा डरपोक हो सकता है लेकिन वो तुम जैसे कायरों से तो लाख गुना अच्छा है, लेकिन वो दूसरी तरफ यहाँ से भागने का भी तरीका सोच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मीसा की अरासे के पीछे जा चुकी है और अरासे को एक बहुत तेजी से लात मार देती है जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं। अरासे उन्हें ढूंढने की कोशिश तो करता है लेकिन ऊपर होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाता है। टाकुमी उसका साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करता है लेकिन कहता है कि अरासे जो कुछ बोल रहा था वही असली सच्चाई है और अगर मेरी जान के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो मैं तुम्हारे सीक्रेट को भी बाहर निकाल दूंगा और इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पॉलकर कहता है कि मेरे दोस्त के जान से ज्यादा कौन सा ही सीक्रेट हो सकता है और वैसे भी वो उसे गद्दार कैसे कह सकता है जबकि उसके मॉम और डैड ने तो उसे बचपन में ही भेज दिया था और उनके मुकाबले तो टाकुमी लाख गुना ज्यादा अच्छा है।
अब हमें फिर से सुबाकी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने होश में नहीं होता है और वो अपने केस के बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल्स को शेयर कर रहा होता है। तभी क्लैरिसा के पार्टनर्स कह रहे होते हैं कि ये अपने केस के बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल्स को शेयर कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक खतरा तो नहीं हो सकता है। क्लैरिसा कहती है कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकता था, लेकिन हमने इसे कुछ भी पूछा नहीं है और ये जो कुछ भी कह रहा है वो अपने मन से कह रहा है जिसमें हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। थोड़ी देर में मीसाकी और पोलका यहाँ पर पहुँच जाते हैं जिसे देखकर सुबाकी कहता है कि आजकल के बच्चों के डिमांड तो कुछ ज्यादा ही महंगे हो चुके हैं। तभी सुबाकी उन्हें अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। और इतने में सुबाकी के पास एक मैसेज भी आ चुका है जहाँ पर अरासे ने कहा है कि दो बच्चे इस बार में आ सकते हैं और उन्हें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स चाहिए। अब हमें थोड़ी देर पहले के स्टेशन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अरासे अपने पार्टनर को उसके सीने पे लगे फुटस्टेप को स्कैन करने के लिए कहता है और जब मीसाकी ने उसे लात मारा था तो ये निशान उसी टाइम पे लग गया था, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये सेम फुटस्टेप ह्यूमन ट्रैप के पास भी पाया गया था, जिसके बाद अरासे अपने सारे पार्टनर्स को लेकर यहाँ पर से निकल जाता है। दूसरी तरफ पोलका अपने लाइफ में पहली बार लेमन जूस खा रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये लेमन जूस से बहुत ही अच्छा है और वो इसे अपने कोल माइन के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहता है। दूसरी तरफ टाकुमी अरासे को यहाँ पर आते हुए नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से पोलका को कॉल कर लेता है और पोलका को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम एक दूसरे स्क्रीन में देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंगों के सहारे यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आज से करीब 5 साल पहले लेमिंग को पहली बार देखा गया था और लेमिंग ने इतने सारे क्राइम्स कर दिए हैं जितना एक आदमी अपने पूरे जिंदगी में नहीं करता है और उन्हें शक है कि वो लोग कभी भी लेमिंग को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। अब बदकिस्मती की वजह से पोलका के निकलने से पहले ही अरासे यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद अरासे और सुबाकी एक साथ कहने लगते है कि हमें तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स निकालने हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसके बाद अरासे कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन क्लैरिसा कहती है कि ये काम हमारा नहीं है और लाइट को जला देती है। लेकिन लाइट को जलाने के बाद वो लोग एक ऐसे चीज को देखते हैं जिन्हें देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वेल गाइस, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। आप लोगों को पता होगा कि 1 घंटे के वीडियो के स्क्रिप्टिंग से लेकर अपलोड करने तक पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथों पर होती है, लेकिन मुझे इसी के साथ यूनिवर्सिटीज की स्टडीज और पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है और सिर्फ इसी वजह से मेरे एक वीडियो को आने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। लेकिन आप में से अगर किसी को भी इसका पार्ट 2 संडे और पार्ट 3 ट्यूजडे के अंदर चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो। मेरे नॉर्मल सब्सक्राइबर्स को 1 हफ्ते में 1 वीडियो देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेंबर्स को 1 हफ्ते में 3 वीडियो देखने को मिलेगा। हमने इसका प्राइस 59 रुपीज रखा है, लेकिन इनमें से कोई सा भी पैसा मेरे पास नहीं आएगा। ये सारा पैसा स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर के पास जाने वाला है, जिससे आपको वीडियो में और भी ज्यादा क्वालिटी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लिटरली सिर्फ 30 रुपए ज्यादा देते हो तो आपको मेरे वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट देखने को मिलेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, वरना ये चैनल शायद ही चल पाएगा। हमें पता चलता है कि यहाँ पर लेमिंग पहुँच चुका है। सब लोग लेमिंग को देखकर शॉक हो रहे होते हैं, लेकिन लेमिंग के पास में जो हजारों की तादाद में सोल्स होते हैं इसे देखकर पोलका शॉक होता है। अब क्लैरिसा अपने पार्टनर्स को शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि अगर लेमिंग को हमें मारना ही होता तो पहले ही हमें मार दिया होता, इतने टाइम का वेट नहीं कर रहा होता। और सुबाकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है तो लेमिंग उसे शायद छोड़ सकता है। भाई अब मुझे पक्का पता चल चुका है इस बंदे को पन्नी के नशे के अलावा और कुछ करना ही नहीं आता। अब लेमिंग अपने फुल तेजी के साथ उन सारे लोगों को एक साथ मारने लगता है, लेकिन तभी अरासे एक बॉटल को लेकर उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुमने मुझे सीरियस ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब लेमिंग फिर से भाग जाता है, लेकिन इस बार मीसाकी को लेकर भागने लगता है। अरासे उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस बार भी वो उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है। अब पोलका अपने पावर्स से उसे रोकने के लिए तो जाता है, लेकिन वो अपने पावर्स को यूज नहीं कर पाता है क्योंकि उसे याद आता है कि यहाँ पर काफी सारे पुलिस मौजूद है और अगर उन्हें पता चल गया कि वो मैजिक पावर्स का यूज कर सकता है तो इस वर्ल्ड में शांति से नहीं रह सकता है। तभी पोलका फिर से सोचता है कि अगर मैं मीसाकी को यहाँ से जाने दूंगा तो मैं इस वर्ल्ड में तो छोड़ो हजारों वर्ल्ड में भी शांति से नहीं रह पाऊंगा, जिसके बाद वो लेमिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इन चीजों को देखकर सुबाकी और अरासे बहुत ही शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को कभी भी नहीं देखा था। तभी बीच में पोलका मीसाकी को लेमिंग से अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लेमिंग मीसाकी को फिर से पकड़ने के लिए जाता है और पोलका अपने सारे पावर्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेमिंग
टाइमिंग इतना फास्ट और एक्यूरेट होता है कि पॉलका के अटैक भी यहाँ पर उतने कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब लेमिंग के मिसा की के पास पहुँचने के बाद ही मिसा की लेमिंग को कुछ कहने लगती है और तभी अचानक से वो लेमिंग को काट देती है। मिसा की यहाँ पर सोच रही होती है कि जैसे उसने पॉलका को बेहोश कर दिया था इसी तरीके से वो लेमिंग को भी बेहोश कर सकता है, लेकिन लेमिंग के हाथ में इतने सारे बैंडेजेस होने की वजह से मिसा की उसे टच नहीं कर पाता है, जिसके बाद मिसा की अपने फोक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद पॉलका समझ जाता है कि वही फोक है जिसमें मिसा की का सलाइवा लगा हुआ है, लेकिन इसका अमाउंट कम होने की वजह से लेमिंग को यहाँ पर सिर्फ चक्कर आ रहे होते हैं। अब पॉलका यहाँ पर मिसा की को शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि तुमने जो काम किया है इससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने सुप्रीम आर्ट को एक्टिवेट करने का मौका मिल चुका है, और यहाँ पर एक बहुत बड़े स्केलेटन को स्पॉन कर देता है। अब हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉलका मिसा की को बचाने में कामयाब हो जाता है और टाकुमी तो इस चीज को यकीन कर ही नहीं पाता है और कहता है कि लेमिंग का नजर एक बार जिस आदमी पर पड़ जाता है वो आदमी कभी भी जिंदा नहीं बच पाता है, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि लेमिंग अपने केस में फेल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबाकी और अरा से भी इस फाइट के बाद बच चुके हैं, लेकिन इन दोनों की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो रखी है और सुबाकी को तो अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं वो यहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा है। अब पॉलका मिसा की को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने लेमिंग के साथ अपना कुछ सीक्रेट शेयर किया है और इसी वजह से मुझे उसे हराने का मौका मिला है। मिसा की कहती है कि उसने यहाँ पर कोई भी खास काम नहीं किया है, बल्कि वो तो तुम ही थे जिनने हम सबको इस जगह से प्रोटेक्ट किया है। तभी पॉलका को अपने टीचर की बातें याद आने लगती है और उनके टीचर ने उससे कहा था कि फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी आदमी को कितने सालों से जानते हो, अगर तुम्हें उसे मदद करने का मन करता है तो तुम्हें तभी उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कभी भी पता नहीं होता है कि तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें गॉड की तरफ से हजारों सालों तक जीने का मौका मिला है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी आदमी के साथ अपना रिश्ता कितने सालों तक बना पाते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें उस आदमी के साथ रिश्ता बनाने में मजा आना चाहिए। जिसके बाद पॉलका रियल पॉलका मिसा की और टाकुमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानना है, और कहता है कि मुझे अब उस शांति की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपने लाइफ को और काटना नहीं है, मुझे अपने लाइफ को तुम लोगों के साथ बिताना है। अब लेमिंग अपने बॉस के पास पहुंच जाता है और अपने बॉस को कहता है कि जिनबा इस टाइम पे खत्म हो चुका है और जिन्हें जिनबा याद नहीं है ये वही आदमी है जिसने मिसा की को मारने का कोशिश किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि जब तक लेमिंग सेफ है उन्हें इन सारे लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि उसके डेस्क में एक पिक्चर पड़ा हुआ है जहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉलका के फैमिली का पिक्चर है। तभी लेमिंग पॉलका की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। तभी उसका बॉस कहता है कि पॉलका तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन ये चीज तुमने मुझे बताया नहीं है। अब हमें पॉलका के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को समझा रहा होता है कि अगर उसे इस वर्ल्ड में शांति से रहना है तो उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है और इसलिए वो यहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। तभी पॉलका उन्हें एक पेन दिखाता है जिसके अंदर उसने किसी आदमी का आत्मा डाला हुआ है। तभी वो पेन यहाँ पर लिखता है कि मेरा नाम होसोरोगी है, 5 साल पहले मैं इस जगह पर गुजर गया था और मुझे क्लाइसा के लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। तभी पॉलका उन्हें समझाता है कि उसके पास एक ऐसा सुपर पावर है जिसकी मदद से वो आत्मा को ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकता है और वो इसी पावर का यूज करके टैलेंटेड बंदों के आत्माओं को ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देगा और उससे वो अच्छे से अच्छा काम करवा सकता है और इस चीज से शायद उसके पास जल्दी ही सभी टाकुमी कहता है कि मुझे पता है ये बिजनेस चाय और गोलगप्पे के बिजनेस को खड़ा करने के बाद उनके फ्रेंचाइजी बेचने से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ पर सोल्स का यूज कर सकते हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो पेन यहाँ पर कहता है कि अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं तो मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। अब तुम लोग शायद इस चीज पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस पेन की बातों को मानने के बाद वो लोग यहाँ पर 100,000 yen कमा लेते हैं जो कि इंडियन करेंसी में 57,000 rupees होते हैं और उन्होंने ये सारा पैसा सिर्फ एक हफ्ते में कमाया है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्या काम है जिसकी मदद से वो लोग एक हफ्ते में ही इतना ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वेल वो लोग यहाँ पर एक्चुअली फॉर्च्यून टेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हाँ ये वही बिजनेस है जहाँ पर ये लोग 10 रुपए लेकर तुम्हें अपना फ्यूचर बताते हैं, लेकिन ये शॉप उनसे थोड़ा सा स्पेशल है। पॉलका के पास एक बूढ़ी औरत फॉर्च्यून टेलिंग के लिए आती है, लेकिन साथ ही में उसके
साथ उसका हस्बैंड भी होता है जो कि इस टाइम पे गुजर चुका है। तभी वो आत्मा पोलका के पास जाकर कुछ कहता है, जिसके बाद पोलका कहता है कि आपने पिछले महीने में ही अपने किसी करीबी को खो दिया है और आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो आपके घर के पीछे लाइमस्टोन के नीचे पड़ा हुआ है और इस औरत को असल में अपने हस्बैंड का छुपाया हुआ सेफ का की नहीं मिल रहा होता है और पोलका यहाँ पर उसी चीज का लोकेशन बता देता है। वेल ये तो सिर्फ एक केस हो गया, लेकिन पोलका मेजोरिटी केसेस को कैसे संभालता है? प्लान बहुत ही सिंपल है। एक पेपर में हर किसी को अपना नाम और एज एक पेपर में लिखना पड़ता है, जिसके बाद टाकुमी उस डिटेल को लेकर उनके आईडी को हैक करने लगता है, जिसके बाद पोलका अपने थर्ड आई से उस डिटेल्स को देख रहा होता है और सेम टाइम पे वो इन डिटेल्स को उनके सामने कह रहा होता है और अपने आप को असली साबित करने के लिए यहाँ पर मैजिक पेंसिल्स का भी यूज कर रहा होता है। लेकिन अब एक एग्जाम्पल तो बनता है। पोलका के पास एक आदमी फॉर्चून टेलिंग के लिए आता है, जिसके बाद पोलका उनसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम गेम के एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते हो, तो तुम्हें सबसे पहले उस चीज को छोड़ देना चाहिए और तुम्हें अपने मेडिकल प्रोफेशन में और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन वो आदमी इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है जब पोलका ये भी बता देता है कि उसका पैर टूटा हुआ है, जबकि उसने ये डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। और इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके पोलका यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ सारी चीजों को गेस कर रहा होता है। अब इसके बाद पोलका कहता है कि ये सारे पैसे हम सब में इक्वली डिवाइड होने चाहिए। इसके बाद टाकुमी कहता है कि तुम्हारा दिल सच में बहुत ही बड़ा है, लेकिन असली पोलका यहाँ पर कह रहा होता है कि उसे यहाँ पर कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। तभी टाकुमी कहता है कि ऐसा तो होना ही था, पोलका ने अपने लाइफ में बहुत सारे पैसों को पहले ही देख लिया है और इसका रीजन है कि। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं जिनमें से दो बच्चे भी मौजूद होते हैं। इस लड़की का नाम है काजुकी सिनोयामा और इस लड़के का नाम है सिजुकी सिनोयामा और वो दोनों पोलका से कहने लगते हैं कि अंकल पोलका, हमने आपको तो एक महीने से देखा ही नहीं है। तभी पोलका समझ जाता है कि ये दोनों असली पोलका को जानते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मुंह को छुपाने लगता है और कहता है कि पोलका कौन पोलका, मुझे तो पोलका के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी काजुकी कहने लगती है कि आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है और कहती है कि मैंने सुना है कि आपने फॉर्चून टेलिंग का काम स्टार्ट किया है, तो क्या आपको मेरे भी फ्यूचर के बारे में पता है? मिसाकी कहती है कि हम लोग इस टाइम पे फॉर्चून टेलिंग नहीं करते हैं, अगर तुम्हें अपना फ्यूचर जानना है तो तुम कल सुबह 10 बजे यहाँ पर आ सकते हो। तभी काजुकी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो? टाकुमी कहता है कि एक गरीब लड़की से जो कि कुछ रीजंस के चलते अचानक से अमीर हो चुकी है। अब काजुकी यहाँ पर रोने वाली होती है, लेकिन पोलका टाकुमी को यहाँ पर रोक देता है और काजुकी को हग कर लेता है। सिजुकी कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन पोलका उसे भी हग कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अपना फ्यूचर जाना था ना, तो मैं कहता हूँ कि तुम लोगों का फ्यूचर है और मैं तुम्हारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पोलका यहाँ पर उन बच्चों से नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट से बात कर रहा है और कहता है कि घर में बता देना कल मैं घर में वापस आ रहा हूँ, जिसके बाद वो सब लोग यहाँ पर से चले जाते हैं। तभी टाकुमी कहता है कि तुम सिर्फ एक इविल स्पिरिट के बातों में आकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। लेकिन पोलका कहता है कि वो लोग मेरे अपने ही है और उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है और वैसे भी वो बच्चे मुझे अपने कुछ बच्चों की याद दिला रहे थे। अब वो दोनों रास्ते में बात कर रहे होते कि उन्हें पोलका अंकल का बिहेवियर बहुत ही अलग लग रहा था, लेकिन तभी उनके सामने टाकेरू सिनोयामा यानी कि लेमिंग का बॉस पहुंच जाता है और उन्हें रात में इस तरीके से घूमने के लिए मना करता है और उनसे पोलका अंकल के बारे में पूछने लगता है। वो लोग बताते हैं कि पोलका कल उनके घर में वापस आने वाले हैं, जिसके बाद टाकेरू कहता है कि तुम्हें इस टाइम पे सावधान रहना चाहिए क्योंकि सिजुका के साथ जो हुआ था वो तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस इविल स्वीट का नाम ही सिजुका है। दूसरी तरफ मिसाकी पोलका से पूछता है कि क्या तुम्हें रियल पोलका के घर के रास्ता भी पता है? टाकुमी कहता है कि पोलका के फैमिली सिनोयामा ग्रुप के मेंबर है जिनके पास ट्रिलियंस में पैसे हैं। हाँ, वो लोग जापान के सबसे रिचेस्ट पर्सन तो नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और यहाँ तक कि वो लोग MC10 के शूज को भी खरीद सकते हैं। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। पोलका के पिताजी रोजान सिनोयामा सिनोयामा ग्रुप के लीडर हैं। उनकी उम्र इस टाइम पे 79 हो चुकी है और उनके टोटल 2 बच्चे हैं, जिनमें से दूसरा बच्चा पोलका है और अगर उन्हें कल को कुछ हो जाता है तो उनका सारा प्रॉपर्टी में से आधा पोलका को मिल जाएगा और ये बहुत ही आसान सी बात है कि क्यों पोलका के इतने सारे दुश्मन है और इसीलिए टाकुमी उसे वहाँ पर जाने से पहले उसे एक बॉडीगार्ड लेने का सलाह देता है क्योंकि वो सबके सामने अपने मैजिक पावर्स का तो यूज नहीं कर सकता है। जिसके बाद पोलका एक स्केलेटन को कुछ कपड़े पहना के उसे अपना बॉडीगार्ड कह देता है। लेकिन टाकुमी कहता है कि क्या तुमने पहले कभी भी बॉडीगार्ड को देखा भी है? जिसके बाद पोलका कहता है कि पिछले लाइफ में उसके पास साइबर टूथ टाइगर और सिविलियन कॉप्स नाम का दो प्रोटेक्टर हुआ करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में उसे एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो कि साथ ही में बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ मिसाकी की तरफ देखते हैं।
रात हो गया बेटे। अब हमें एक रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कानो नाम की एक लड़की की पिक्चर को देख रहा होता है और कहता है कि जरूर उसे मैजिक करने का पावर तुम्हीं से मिला होगा, लेकिन लगता है अब इस चीज को मुझे ही संभालना पड़ेगा। अब अगले सीन में टाकुमी पोलका को सिनोयामा फैमिली के बारे में बता रहा होता है। सिनोयामा फैमिली में सबसे बड़ा गाकू सिनोयामा है जिसकी उम्र 48 इयर्स है और वो पोलका का बड़ा भाई है। और टाकिरू जो कि पोलका का भतीजा है वो सिनोयामा फैमिली के सिक्योरिटी डिवीजन का हेड है। और टाकुमी पोलका को इसी आदमी से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि इसने 26 साल की उम्र से ही इस काम को स्टार्ट कर दिया था और उसे इस कंपनी के बारे में बहुत सी चीजें पता है। अब पोलका और मीसा की रियल पोलका के घर के पास पहुंच जाते हैं और पोलका ने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। यहाँ पर टाकिरू पहुँच जाता है और पोलका से कहता है कि तुम तो कहीं पर घूमने के लिए गए थे तो फिर तुम वापस आ क्यों गए हो। पोलका कहता है कि इतनी देर तक बाहर घूमने के बाद मुझे पता चला है कि जिंदगी का असली मजा तो घर में ही होता है। तभी टाकिरू पूछता है कि तुम्हारे साथ जो ये लड़की है ये कौन है। अब मीसाकी अपने आप को यहाँ पर वेलकम करती है और कहती है कि मेरा नाम मीसाकी सिकिमिया है। अब इसके बाद वो सब लोग घर के अंदर पहुँच जाते हैं और मीसाकी सबको बताने लगती है कि किस तरीके से वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन पोलका ने उसके जान को बचाया है। टाकिरू कहता है कि उसे ये चीज सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि पोलका भी किसी का जान बचा सकता है, लेकिन जिसका जान बचाया है वो इतने बड़े स्टील कंपनी के ओनर की बेटी है। लेकिन मीसाकी बताती है कि उनके फैमिली अब इस बिजनेस को रन नहीं करते हैं। टाकिरू कहता है कि उन्हें उनके पास के बारे में सब कुछ ही पता है और उसे जब ये पता लगा था तो उसको भी बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि जब टाकिरू छोटा हुआ करता था मीसाकी के फैमिली ने उसे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। लेकिन तभी एक लड़की आके मीसाकी को हग कर लेती है और कहती है कि तुम तो कितने प्यारे हो और तुम्हें हमारे फैमिली का हिस्सा होना चाहिए था। टाकिरू उसे ऐसी बातें करने से मना कर देता है और जिससे बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम कीरी है और ये टाकिरू की वाइफ है। तभी पोलका पूछता है कि घर के बाकी मेंबर्स कहाँ पर हैं, जिसके बाद काजुकी कहती है कि उसके मॉम और डैड जापान में नहीं रहते हैं और बाकी जितने भी मेंबर्स है वो सब लोग काम के लिए जा चुके हैं। लेकिन तभी पोलका एक ऐसे आदमी को नोटिस कर लेता है जिसे रियल पोलका भी नहीं पहचानता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक रैंडम रिलेटिव है जिसे कोई भी पहचानता नहीं है। जैसे तुम लोगों ने हिंदी सीरियल्स में देखा होगा कि कोई किसी का भांजा ताओ भतीजा होता है लेकिन कोई किसी को पहचानता नहीं है, तो यह आदमी उन्हीं में से एक है। तभी सिजुकी यहाँ पर रियल पोलका को नोटिस कर लेता है और पूछता है कि यह सॉफ्ट टॉय यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी सायो कहती है कि मुझे इस शार्क के बारे में पता है और मैंने इस मूवी को भी देख कर रखा है और इस मूवी को मैं 10 में से 7 का रेटिंग देना चाहूंगा, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह लड़की असल में शार्क का बहुत बड़ी फैन है। लेकिन तभी यहाँ पर पोलका के डैड रोजान सिनोयामा पहुँच जाते हैं। तभी उनका रिलेटिव उनसे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करने लगता है, लेकिन रोजान कहते हैं कि उन्हें इन चीजों के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। अब रोजान पोलका को अपने पास बुला लेते हैं और पोलका घर से बिना बताए जाने के लिए माफी मांग लेता है। रोजान कहते हैं कि वो इतने टाइम से इन सारे लोगों का बातों को ही सुन रहा था, लेकिन पोलका ने अपने बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, इसलिए वो उनके साथ प्राइवेट में बात करना चाहते हैं और मीसाकी को थोड़ी देर के लिए गार्डन में घूमने के लिए कहते हैं। अब हमें सुबाकी और अरासे के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सुबाकी कह रहा होता है कि केस को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा क्रेजी तो बनना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो लोग 10 सोरिमिया के पास पहुंच जाते हैं जो कि फैंटम सॉलिटरी के नाम से पॉपुलर है। और सुबह की उससे साकुजावा बिल्डिंग के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि फायर ब्रीदिंग बग जब भी आग लगाता है वहां पर अपना एक निशान छोड़कर जाता है और उन्हें साकुजावा बिल्डिंग पे भी ये निशान देखने को मिला था, जिसका मतलब है कि ये काम फायर ब्रीदिंग बग का ही है। और उन्हें अपने सूत्रों से पता चला है कि फायर ब्रीदिंग बग अचानक से कहीं पर अटैक नहीं करता है, वो किसी जगह को अटैक करने से पहले 6 या फिर 7 महीने तक प्लानिंग करता है और उस जगह को फायर लगाने के लिए तैयार करता है, ठीक जैसे एक बग लकड़ी के टुकड़े को कई सालों तक खाता है लेकिन वो लकड़ी अचानक से एक दिन में टूट जाता है। अब हमें सिजुकी और काजुकी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों यहाँ पर टहल रहे होते हैं, लेकिन वो इविल स्वीट यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। अब हमें इन तीनों के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर सिजुकी काजुकी बहुत तेजी से रो रहे होते हैं और कह रहे होते कि किस तरीके से उन दोनों ने उनके मॉम के बैग को जंगल में खो दिया है। तभी सिजुका उन दोनों को यहाँ पर रोने के लिए मना कर देती है और उस बैग को अकेले ही ढूंढने के लिए चली जाती है। सिजुकी को वो बैग तो मिल जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं और उनमें से वो रिलेटिव भी होता है जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है और उन दोनों ने असल में उन ट्विंस को यहाँ पर जलाने का प्लान किया था। अब सिजुका इस बात को सुनने के बाद ही उन्हें वार्न करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इसके बीच में ही पता नहीं कुछ रीजन से चलते वो जल जाती है। फाइनली वो उनके पास पहुंच तो जाती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक इविल स्पीड में बदल चुकी है और हजारों बार चाहने के बावजूद
बावजूद भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पोलका अपने डैड को वो सारी चीजें बता रहा होता है जो कि यहाँ पर से जाने के बाद उसके साथ हुआ है। पोलका के डैड इन सारी बातों को सुनकर बहुत ही खुश लग रहे होते हैं और पोलका भी इस चीज से बहुत ही शांत हो जाता है कि उसके डैड को कुछ भी पता नहीं चला है। तभी रोजान कहते हैं कि मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात पूछना ही भूल गया, मुझे बस इतना बता दो कि तुम असलियत में हो कौन। पोलका यहाँ पर कुछ कह नहीं जा रहा होता है लेकिन उसके डैड उसके गले में एक स्वॉर्ड रख देते हैं और कहते हैं कि भले ही मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना, मुझे अपने बेटे के बारे में हर चीज अच्छे से पता है और तुम मुझे इतना बता दो कि मेरा बेटा असल में कहाँ पर है। तभी पोलका कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पता नहीं था कि असली डैड इस टाइप का होता है, एटलीस्ट मेरे पास में मैंने जिस टाइप का देखा था उनसे तो आप लाख गुना ज्यादा अच्छे हो। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट का आवाज सुनाई देता है जिसके बाद पोलका कहता है कि मैंने सिजुकी और काजुकी को बचाने का प्रॉमिस किया है इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपने तेजी के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर कोई और कहने लगता है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका था, तुम्हें इस लड़के को अभी मार देना चाहिए था। लेकिन रोजान कहता है कि उसकी शक्ल हूबहू मेरे बेटे के जैसा है इसलिए मैं उसे इस तरीके से मार नहीं सकता। अब हमें सिजुकी और काजुकी को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बॉडीगार्ड पहुँच जाता है और कहता है कि घर में आग लगने की वजह से उन्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा, जिसके बाद वो तीनों एक बेसमेंट में पहुँच जाता है। तभी काजुकी कहती है कि ये गलत रास्ता है, मुझे पता है कि ये बेसमेंट का रास्ता है और यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता। तभी वो आदमी कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम दोनों के ऊपर जाने के रास्ते के लिए 2 सालों तक मेहनत की है। अब वो दोनों ही यहाँ पर बुरी तरीके से डरने लगते हैं लेकिन तभी मीसा की अपने फुल तेजी से आकर उसे एक लात मार देती है और वो आदमी बुरी तरीके से यहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद वो आदमी अपने मास्क को खोल देता है और हमें पता चलता है कि आदमी असल में फायर ब्रीदिंग बग है जिसने साकुजा बिल्डिंग में भी आग लगाया था। तभी मीसा की कहती है कि कल जब तुम मेरे घर में आए थे मैंने तुम्हें पहली नजर में देख के ही पहचान लिया था क्योंकि तुम मुझे देखकर थोड़ा बहुत घबरा रहे थे। तभी फायर ब्रीदिंग बग कहता है कि मैंने तुम्हें क्लैरिसा के बार में नोटिस किया था और मुझे पता है कि तुम साइको किलर के नाम से पॉपुलर हो। तभी मीसा की उन दो बच्चों को यहाँ पर से जाने के लिए कहती है और अब उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी ब्रीदिंग बग कहने लगता है कि मुझे उन बच्चों का पीछा करने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आग पूरे घर में लगने वाला है और इस आग से उन बच्चों को और तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी सिजुकी और काजुकी यहाँ पर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि सिजुका के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था तो उसे भी कितना ज्यादा दर्द के बीच में गुजरना पड़ा होगा जबकि पूरी गलती उन दोनों की थी। तभी वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर से जाने के बाद अगर उनकी मुलाकात सिजुका से हो जाती है तो वो दोनों से माफी मांग लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर पोलका पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और वो तीनों यहाँ पर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पोलका एक लड़की के पास पहुँच जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और गलती भी मेरी है, कल जब तुम मेरे घर में आए थे मैं अपने भांजों के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो गया था इसलिए मैंने तुम्हारे पास के इन सोर्स को नोटिस ही नहीं किया था। और तभी फिर से मीसा की आंखें उसे तेजी से लात मार देती है और फायर ब्रीदिंग बग कहता है कि मैं तुम लोगों से इम्प्रेस तो हो चुका हूँ लेकिन यहाँ पर ढेर सारा आग फैला देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों को आग से बहुत ही प्रॉब्लम होता है इसलिए तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन तभी पोलका नोटिस करता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सोल्स मौजूद है और हमें पता चलता है कि वो दूसरा सोल लैमिंग का है और वो फायर ब्रीदिंग बग को बहुत ही आसानी से हरा देता है और इस चीज को एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है। अब टाकेरू इस जगह को छोड़कर जाने लगता है और हमें एक कार के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका रिलेटिव मौजूद होता है। तभी उसके पास एक बाइक का केक खड़ा होता है जिसके बाद वो बाइक वाला उसके कांच को तोड़ देता है। अब हमें फिर से स्टेशन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सॉलिटरी कह रहा होता है कि एक बग जिसे घर को खत्म करने के लिए 1 साल लग जाते हैं, तुम लोग मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो, और कहता है कि फायर ब्रीदिंग बग कोई आम आदमी नहीं है, उसने बिना मैजिक पावर के यूज किए अपने आप को सुपर ह्यूमन बना लिया है और उसे इन जैसे बिल्डिंग्स को जलाने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। और कहता है कि फायर ब्रीदिंग कभी भी एक मैसेज नहीं लिखता है, वो हमेशा 2 मैसेजेस लिखता है लेकिन ये सिर्फ सीक्रेट डिपार्टमेंट्स को ही पता है। अब हम देखते हैं कि टाकेरू लैमिंग और उस राइडर ने मिलकर उनके रिलेटिव्स को पकड़ लिया है। तभी उनका रिलेटिव्स यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये प्लान मेरा नहीं है, मुझे तो फायर ब्रीदिंग बग ने फोर्स किया था। टाकेरू कहता है कि उसे ये चीज पहले से ही पता है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ लड़का मेरे फैमिली की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फायर ब्रीदिंग बग को एक कार से कहीं पर ले जा रहा होता है लेकिन तभी उसके कार के ऊपर कुछ अजीब से निशान बनने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये फायर ब्रीदिंग का मैसेज है और कार में बैठे सारे लोग उसे फेक फायर ब्रीदिंग बग कहने लगते हैं और उनका कार यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ जलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सी लड़की गाना गा रही होती है और उसके बाद हमारे पास ये भी क्लियर हो जाता है कि ये फेक फायर ब्रीदिंग बग है
लेकिन अब हमारे पास कई सारे सवाल आ जाते हैं कि अगर लेमिंग ने इतने सारे क्राइम्स करके रखे हैं तो उसने पोलका का मदद करने का डिसीजन क्यों लिया, और पिछले बार वाले इंसिडेंट में वो मिसाकी को लेकर भागना क्यों चाहता था, और ये मिस्टीरियस सी लड़की कौन है, और अगर ये आदमी फेक फायर ब्रीथिंग बग है तो असली फायर ब्रीथिंग बग कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अगले पार्ट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर उसे एडवांस में देखना है और मेरी थोड़ी बहुत मदद करना है तो आप लोग मेरे मेंबरशिप को ले सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज का है, और अगर आप सिर्फ 30 रुपए और दे देते हो तो आपको मेरे अगले वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा, और अगर आपको तब तक एक और अच्छा वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।